हेलो एवरीवन, प्लेसमेंट सेशन चल रहा है और इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग ऑटोमोबाइल क्वेश्चंस का पार्ट टू बनाएंगे। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर करेंगे जो जनरली इंटरव्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसको हम लोग उसका आंसर भी एक्सप्लेन करने वाले हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में किया था। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग, मैं लिंक वीडियो के आखिर में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है व्हाई फ्रीजर इज इन द फ्रीज इज प्लेस इन द टॉप। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आप देखते हैं कि आपका जो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर हमेशा क्या रहता है, टॉप में रहता है और नीचे आप लोग सब्जी वगैरह रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो डेंसिटी होती है कोल्ड एयर की वो क्या होती है, हायर होती है देन वहाँ में। ठंडी हवा से गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, या बोल सकते हैं कि ठंडी हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसी कारण इसको हम लोग टॉप में रखते हैं। क्योंकि जब ठंडी हवा नीचे जाएगी, क्योंकि डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी डाउनवर्ड्स जाएगी तो क्या करेगी, अदर पार्ट्स को भी क्या कर देगी, कूल कर देगी, और जैसे वो गर्म होगी ऊपर आएगी और वापस से वहाँ पर बिकॉज ऑफ द फ्रीजर वो वापस ठंडी हो जाएगी और वापस नीचे जाएगी और साइकिल चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है पॉइजन रेशियो इज हायर। किस के अंदर पॉइजन रेशियो हायर होता है, रबर के अंदर, स्टील के अंदर या लकड़ी के अंदर? तो जब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात कि पॉइजन रेशियो होता क्या है, कि जब हम किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं किसी एक जब हम लोग किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं किसी एक डायरेक्शन में तो ये यूजुअली टेंड्स टू एक्सपांड इन अदर टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन। लाइक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या किया, कंप्रेस किया, तो इस डायरेक्शन में आपने कंप्रेस किया तो जो ये डायरेक्शन से यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट। तो पॉइजन रेशियो को हम लोग मेजर करते हैं पॉइजन इफेक्ट के थ्रू। तो जो रबर में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका पॉइजन जो रेशियो है वो 0.5 है, मतलब इतना एक्सपांड हो सकता है। स्टील के अंदर ये 0.288 होता है और वुड के अंदर ये 0.2 होता है। सो जो पॉइजन रेशियो जो होता है वो हायर होता है रबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट टाइप ऑफ गियर्स यूज इन स्मॉल कार्स। स्मॉल कार के अंदर कुछ टाइप के गियर यूज में आते हैं। तो बेसिकली गियर्स काफ़ी जगह यूज़ में आते हैं कार के अंदर, सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, उसके बाद आपका स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर रेक एंड पिनियन टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है, डिफरेंशियल में आपका सन गियर, पिनियन गियर, बेवल गियर का जो अरेंजमेंट रहता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो हम लोग गियर यूज़ करते हैं वो हेलिकल गियर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं बेटर एफिशिएंसी और बेटर सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एट हाई स्पीड्स, और साउंड भी काफ़ी कम करते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर हम लोग रेक इन्फिनियन टाइप का यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंशियल गियर होता है वहाँ पर बेवल गियर यूज़ करते हैं। सो एज द टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड परपेंडिकुलरली, क्योंकि हमको वहाँ पर जो टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है डिफरेंशियल के अंदर, वहाँ परपेंडिकुलर ट्रांसफर करना पड़ता है। इसीलिए जब भी हमको कोई टॉर्क परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग बेवल गियर यूज़ करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। नए क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज पावर जनरेटेड फ्रॉम, हाउ इज पावर जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल, कि जो आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं उससे पावर कैसे जनरेट होता है। तो बेसिकली जब फ्यूल आप डालते हैं सिलेंडर के अंदर तो वो गर्म होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसके बाद जिसको जो बर्न हो जाता है उसको टेक्निकल टर्म में ऑक्सीडाइज्ड होता है, और उसके कारण क्या होता है, फ्यूल बर्निंग के कारण हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और वो हीट जो होती है वो क्या करती है, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है, जो आपका कंप्रेशन एक्सपांशन स्ट्रोक है, तो उस हीट एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं यूजफुल वर्क के अंदर। और किस टाइप का आपको वर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे स्टीम पावर कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग द फ्यूल अंडर अ कंटेनर विद वाटर इंट एंड यूजिंग द स्टीम फॉर सम पर्पज। जैसे कि स्टीम आप जाते हैं अगर पावर प्लांट के अंदर, तो वहाँ बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनती है और स्टीम की तरफ टर्बाइन घुमाते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो हीट रिलीज हो रही है उसको यूज़ करना है किसी यूजफुल वर्क के अंदर। वाट इज़ DTSI, वाई दिस टेक्नोलॉजी यूज इन मोटर बाइक्स। जो DTSI जो होती है आपका जो होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, ये क्या चीज़ है और बाइक के अंदर ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो हमको क्या चाहिए कि कम्बशन हमारा क्या हो, बेटर हो। तो बेटर कम्बशन प्रोवाइड करने के लिए हम कम्बशन चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, दो स्पार्क प्लग लगा देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग डबल स्पार्क प्लग लगा देते हैं जो क्या करते हैं, बेटर कम्बशन ऑफ फ्यूल इन सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के अंदर आपका कम्बशन जो होगा फ्यूल का वो अच्छा कर देते हैं, और थ्रू दिस टेक्निक फ्यूल इज इग्नाइटेड प्रॉपरली
इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा फ्यूल प्रॉपरली बर्न होता है और साथ ही साथ ये अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और ये इकोनॉमिकल भी होता है फ्यूल कंजप्शन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग डबल स्पार्क प्लग यूज़ कर रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मतलब बेसिकली डबल कर रहे हैं आपकी स्पार्क की एनर्जी को, तो आप थोड़ा सा फ्यूल कम भी करेंगे तो भी आपका कम्बशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब आपका एवरेज घड़ी का बढ़ जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको बनता है कि व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के तीन मेथड कौन कौन से हैं। तो तीन मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, पहला होता है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन की अगर बात करता हूँ तो जब कोई दो एटोम्स या दो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो बॉडी टू बॉडी जो कॉन्टेक्ट उनका होता है, एटोम टू एटोम हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय कोलिजन्स बिटवीन एटोम्स, ठीक है। और कन्वेक्शन में क्या होता है, जब मीडियम चेंज होता है, मान लो यहाँ पर आपका कोई सॉलिड है, यहाँ पर आपका लिक्विड है, कि तपेली है मान लो, और यहाँ पर दूध भरा हुआ है ना, तो क्या होगा कि जो तपेली से दूध के अंदर या दूसरे तपेली में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है कन्वेंशन के कारण, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। और रेडिएशन जो होता है बेसिकली आप जानते हैं, ये सन है आपका, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सन की रेज आ रही है, या किसी से जो जो ट्रांसफर जो होता है एनर्जी का बाय वेव्स, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, दो बॉडी का कॉन्टेक्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी जो ट्रांसफर हो रहा है आपका एनर्जी का वो हो रहा है रेडिएशन के कारण। अगला आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ BHP, व्हाट इज़ ब्रेक हॉर्स पावर, और हम लोग कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के पावर होते हैं, एक होता है इंडिकेटेड पावर, एक होता है आपका ब्रेक पावर। तो जब कंबशन होता है तो कंबशन होने के बाद आपको यहाँ पर जो हीट मिलती है, जो पावर मिलता है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, लेकिन ये पावर क्या होता है, कूलिंग में फ्रिक्शन के कारण काफ़ी सारा पावर जो जितना आपको यहाँ मिलता है कंबशन के यहाँ पर, उतना आपको गियर बॉक्स के यहाँ क्लच के यहाँ पे नहीं मिलता है, क्रैंक फ्लाई व्हील में नहीं मिलता। तो जो पावर पीछे ट्रांसमिशन होता है, मतलब क्लच के थ्रू होके जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। तो और ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब जितना कम डिफरेंस होगा ब्रेक पावर और IP का उतनी ज़्यादा मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी, क्योंकि उतना ही कम लॉस हो रहा है। तो ये होता है आपका ब्रेक पावर, और इसको मेजर करने के लिए आप लोग BHP जो होता है वो होता है 2 × π × ₹ × R, इसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ब्रेक हॉर्स पावर का एक रिलेशनशिप भी है, वो भी आप देख सकते हैं, वो कई बार पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है ड्यूरिंग द ड्राइव टॉर्क व्हाट विल बी द वेट शिफ्ट, जब ड्राइव टॉर्क होता है तो वेट शिफ्ट क्या है। तो इन केस ऑफ कार द टॉर्क इज अप्लाइड टू द रियर व्हील्स, कार के अंदर आप जानते हैं कि जो पावर जो होता है ट्रांसमिट करते हैं हम किसको, रियर व्हील को, तो उसके कारण क्या होता है, दस लिमिटिंग एक्सेलेटर ड्यू टू फ्रंट व्हील ड्राइव ड्यू टू वेट ट्रांसफर। तो जो उसका एक्सेलेटर जो होता है, जो रेस होती है, जो स्पीड है, उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है फ्रंट व्हील ड्राइव का, जो कि वेट ट्रांसफर हुआ है। और वो ड्राइव क्या होती है, बोल्ट जो ड्राइव होती है पूरी आपकी चेसिस पर लगी हुई होती है कार की। तो मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरर होते हैं डिज़ाइन करते हैं रियर व्हील ड्राइव टू हैव सिमिलर हैंडलिंग टू फ्रंट व्हील ड्राइव वेर एवर पॉसिबल वाय सस्पेंशन ट्यूनिंग, ठीक है। एक्सप्लेन द रीज़न वाई दैट वाई बिग टायर्स आर यूज इन रियर ऑफ व्हीकल्स, क्यों बड़े टायर्स लगाए जाते हैं रियर व्हील के अंदर गाड़ियों के अंदर। तो बड़े टायर क्या करते हैं, लार्ज टायर प्रोवाइड करते हैं बेटर लार्ज सरफेस एरिया टचिंग द ग्राउंड, उसके कारण उनका जो पुलिंग जो पावर है वो बढ़ जाता है। बेसिकली जो ट्रैक्टर हैं वो क्या करते हैं, ट्रॉली को खींच रहे हैं, कल्टीवेटर को खींच रहे हैं, तो इन सबको खींचने के लिए उनको क्या चाहिए, एक लार्ज पुलिंग पावर चाहिए। तो आप देखेंगे कि अधिकतर ट्रैक्टर्स के अंदर ये होता है कि अगले टायर बहुत छोटे होते हैं और पिछले टायर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बनता है व्हेन वी स्टार्ट व्हीकल, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्मोक जो आता है वो वाइट क्यों आता है कई बार। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी और जब मिक्सचर उसका रीच होता है एंड द एग्जॉस्ट विल बी कोल्ड, सो एनी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स विल कंडेंस आउट इनटू अ क्लाउडी मिस्ट एंड अपेयर वाइट। तो जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मिक्सचर आपका रीच होता है और जो एग्जॉस्ट के अंदर कुछ अगर ठंडा कोई पार्टिकल्स या मॉइस्चर जमा है, तो जब वो बर्न होता है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बर्न हो जाते हैं, प्लस वाटर वेपर भी उसमें बर्न हो जाते हैं, उसके कारण एक क्लाउडी मिस्ट टाइप का एक वाइट स्मोक जो धुआं निकलता है साइलेंसर से वो अपेयर होता है। और जब इंजन एक बार एक गर्म हो जाता है
और जब एक बार इंजन गर्म हो गया उसके बाद जब वो, तो उसकी कुछ टाइम बाद के बाद वेपर हमको दिखते नहीं है, वो उड़ जाती है। तो बेसिकली मॉइस्चर के कारण वो चीज़ होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द इंजेक्ट प्रेशर इन हैवी व्हीकल्स, जो आप सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग से स्पार्क करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो जो इंजेक्ट का सॉरी इंजेक्टर के अंदर जब फ्यूल आप इंजेक्ट करते हैं आपके नोजल से, ठीक है, या फ्यूल इंजेक्टर से, तो उसका प्रेशर कितना होता है बड़ी गाड़ियों के अंदर। तो इंजेक्टर प्रेशर इज़ द प्रेशर एट विच द फ्यूल कैन बी इंजेक्टेड इन द व्हीकल। इन हैवी व्हीकल्स इंजेक्टर प्रेशर इज़ 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इंजेक्टर प्रेशर होता है। आप सोच सकते हैं कितना हाई प्रेशर से हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू सेट अप द स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्शन इन द व्हीकल। विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर प्रेशर वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड। और इंजेक्टर प्रेशर के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल लगने वाला है। उसका एक फॉर्मूला है कि हॉर्स पावर इंटू BSFC डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंजेक्टर्स इंटू ड्यूटी साइकिल। वो आपको बता देगा कि कितने लीटर पर आवर इंजेक्टर आपका यूज़ करेगा फ्यूल को। अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द प्रेशर कैप इन द रेडिएटर। तो बेसिकली रेडिएटर आप जानते हैं कि अपन की गाड़ी को कूल रखने का काम करता है, उसके अंदर काफ़ी सारा कूलेंट भरा हुआ होता है। तो इट इज़ द सील इन द रेडिएटर दैट मेंटेन द सिलेक्टेड प्रेशर इन द कूलिंग सिस्टम व्हेन द इंजन इज हॉट। तो ये क्या करता है कि जो प्रेशर एक होता है रेडिएटर के अंदर उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। जब भी कम ज़्यादा हुआ तो उससे वो प्रेशर कैप के थ्रू वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और अपना वापस इकोनॉमिक कंडीशन में उसको बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन आपको बनता है हाउ टू जनरेट पावर फ्रॉम डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर से हम लोग पावर कैसे जनरेट करते हैं। तो डिफरेंशियल गियर्स जो आता है वो बेसिकली पावर ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म है, उसको हम गियर्स बोलते हैं। तो गियर्स पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं, वो ओनली ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर को वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो डिफरेंशियल गियर के तीन काम हैं। ये क्या करता है, इंजन पावर को व्हील में पहुंचाता है बाय कनेक्टिंग ड्राइव शाफ्ट टू द व्हील एक्सल्स। इट एक्ट्स एज द फाइनल गियर रिडक्शन इन द व्हीकल। गियर रिडक्शन का काम करता है व्हीकल के अंदर, जो जो रोटेशनल स्पीड है उसको कम या ज़्यादा भी कर देता है। और द डिफरेंशियल आल्सो ट्रांसमिट द पावर टू द व्हीकल्स वाइल अलोविंग देम टू रोटेट डिफरेंशियल स्पीड्स। डिफरेंशियल साथ में क्या करता है कि गाड़ी को पावर तो देता ही है लेकिन अलग अलग स्पीड पे दोनों व्हील्स को भी रोटेट भी करने का काम भी डिफरेंशियल ही करता है। अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन फिट। तो फिट इट इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स। कोई भी दो मीटिंग पार्ट्स है उसके बीच में कितने लूजनेस है टाइटनेस है उसको हम लोग फिट बोलते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा क्लियरेंस फिट, ट्रांसफेरेंस, इंटरफेरेंस फिट। तो डिफरेंट टाइप की फिट होती है, किस टाइप की आपको फिट चाहिए होती है वो आपको देखना होती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बनता है व्हाट इज ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट ड्यू टू ड्राइव टॉर्क। तो इट इज़ अ वेट ऑफ ड्राइव टॉर्क विच इज़ बोल्टेड टू चेंजेस ऑफ द कार। तो जो वेट है ड्राइव टॉर्क का जो कि चेंजेस पे कार के लगा हुआ है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेट शिफ्ट बोलते हैं। ट्रैक्टर का रियर व्हील बड़े क्यों होते हैं, तो फ्रंट व्हील से तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए और पुलिंग फोर्स बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है डज द डिज़ाइन एंड फिटिंग वेरी ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल इंजन, वाई दे यूज़ पेट्रोल फॉर इंजन्स एंड वाइस वर्सा। क्या डिज़ाइन और फिटिंग्स जो होती है हर इंजन के अलग होती है, और क्यों वाई दे यूज़ पेट्रोल फॉर इंजन्स, इंजन के लिए पेट्रोल यूज़ करते हैं और सिमिलरली उल्टा ऐसा क्यों। तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन और फिटिंग वेरी करती है हर व्हीकल्स के लिए। द टाइप ऑफ फिटिंग डज नॉट वेरी फॉर ऑटोमोटिव सेगमेंट, इट इज़ द सेम। हाउएवर इन डिफरेंट केसेस ऑफ एरोस्पेस एंड अदर सेक्टर्स ये चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन और डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है जो कि हम लोग शायद एक्सप्लेन द रीज़न दैट वाई द टायर्स आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर। टायर का जो कलर होता है हमेशा काला क्यों होता है, और क्या इज़ दिस फिनोमिना रिलेटेड टू द हीट कंडक्शन, क्या ये कंडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली टायर का कलर इसीलिए काला होता है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कार्बन मिक्स करते हैं, और कार्बन मिक्स कर से इसको हम लोग वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होती है रबर बनाने की, उसके थ्रू रबर बनाते हैं टू मेक द टायर शियर रेजिस्टेंस, कि टायर रेजिस्टेंस बन जाए और ज़्यादा जल्दी से घिसे नहीं। अगर हम लोग वेल्केनाइजेशन टायर्स नहीं करते हैं तो ये इतना लोड बियर नहीं कर पाता है और फ्रिक्शन और हीट के कारण काफ़ी जल्दी ये डैमेज हो सकता है।
तो कार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टायर के काला होने के कारण, काला होने जो ब्लैक होने का जो रीज़न है वो क्या है, कार्बन परसेंटेज। हम लोग कार्बन ऐड करके क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं टायर को रैपिडली डिटोरेटिंग, जल्दी से ख़राब होने या जल्दी से घिसे ना, इसके लिए हम कार्बन ऐड कर रहे हैं। और वेन ओजोन कम्बाइंस विद द अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द सन, इट अटैक्स द पॉलीमर ऑफ द टायर। क्योंकि जब ओजोन कंबाइन होती है आपकी जो सन की लाइट है यूवी लाइट, तो क्या करती है पॉलीमर पर अटैक करती है, और उसमें कार्बन नहीं होगा तो काफ़ी जल्दी से घिस जाएगा या मेल्ट भी हो सकता है ज़्यादा हीट बढ़ जाए तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेक कंप्रेशर इन इंजन्स। तो बेक कंप्रेशर हम कई बार बोलते हैं कि यार ये बेक कंप्रेशर मार रहा है इंजन्स का, क्या दिक्कत है। तो बेक कंप्रेशर का मतलब यही है कि कंप्रेशन कैपेबिलिटी कितनी है इंजन की, ठीक है। जैसे एक डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं 14:1 में भी और 25:1 में, इसका लिमिट है। तो हायर कंप्रेशन रेशियो अगर रहेगा तो बेटर एफिशिएंसी देगा इंजन की, और थिक ब्लैक स्मोक इज इमिटेड व्हेन द इंजन कंप्रेशन इज रिड्यूस्ड। और अगर हम लोग कंप्रेशन को कम कर देते हैं तो जो एक बड़ा सा स्मोक, काला स्मोक निकलता है, तो विच लीड्स टू डिफॉर्म हेड गैस्केट इन टू द क्रैंक केस। तो वो क्या करता है, आपका जो हेड गैस्केट होता है उसको उड़ा देता है। इसीलिए जो हमारा बेक कंप्रेसर का जो कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए, एक मिनिमम रेंज में होना चाहिए कि वो ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगला क्वेश्चन आपको बनता है, वाई द प्लास्टिक मटेरियल्स यूज्ड इन द स्क्रू ड्राइवर हैंडल। जो स्क्रू ड्राइवर का जो पेचकस है आपका, उसका हैंडल के अंदर आप प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसका जो नॉन कंडक्टिव नेचर होता है प्लास्टिक का, और हम जानते हैं कि बेसिकली जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के यूज़ में आते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का सीधा कॉन्टेक्ट हुआ मेटल टू मेटल तो क्या होगा, हमको डैमेज हो सकता है, हमको शॉक लग सकता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक सस्ता भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, और इसके कारण कोई डैमेज भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक के ही हैंडल्स बेसिकली स्क्रू ड्राइवर के अंदर हो गए, प्लायर के अंदर हो गए, इनके अंदर उसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, डज डीजल इंजन पावर्ड ऑटोमोबाइल यूज़ यूनिट पंप एंड यूनिट इंजेक्टर। क्या डीजल इंजन से चलने वाले ऑटोमोबाइल यूनिट पंप और यूनिट इंजेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बोलता है कि इन द केस ऑफ इंजन पावर्ड बाय डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यूनिट पंप एंड यूनिट इंजेक्टर आर ऑपरेटेड बाय क्रैंकशाफ्ट एंड दस प्रेशर ऑफ इंजेक्टेड फ्यूल डिपेंड्स ऑन इंजन की स्पीड, वेयर इज इन कॉमन रेल सिस्टम इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन स्पीड्स। तो जो डीजल इंजन की जो गाड़ी है उसके अंदर बेसिकली जो आपका कैम शाफ्ट जो होता है वो ऑपरेट करता है पंप को और यूनिट इंजेक्टर को, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उसके थ्रू वो उसका इंजेक्टर जो जो प्रेशर होगा उसमें वेरिएशन आएगा, जबकि जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होता है, इंजन के अंदर ये डिपेंड होता है। वट आर MPFI एंड TPFC सिस्टम। MPFI का मतलब अपन पढ़ चुके हैं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इनटेक पोर्ट्स के अंदर इन दिस सिस्टम फ्यूल जो इंजेक्ट करते हैं इनटू द इनटेक पोर्ट्स विच इज सिचुएटेड जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ इट सिलेंडर्स इनटेक वॉल। जो आपका मल्टी पॉइंट जो इंजेक्टर है वो जस्ट आपका जो इनटेक वाल होता है उसके पास ही लगा होता है, और ये सिस्टम पूरा सिक्वेंशियल सिस्टम होता है इन इन विच इंजेक्शन इज टाइम टू कोइंसाइड विद इनटेक स्ट्रोक ऑफ इच स्ट्रोक। जिसके अंदर हम लोग जो इनटेक का होता है उसको कोइंसाइड करते हैं कि जब इनलेट वाल ओपन हो, उसके बाद जब क्लोज हो वो ओपन हो। और TPFC मतलब होता है ट्रांसिएंट पावर फ्यूल कंट्रोल सिस्टम। तो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर इज यूज्ड। हम लोग कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसका साइलेंट फीचर ये होता है कार्बोरेटर का कि ये प्रोवाइड करता है जर्कलेस इंजन रेस, कि एकदम झटका आपको नहीं लगता है। जैसे आप लोग अगर एकदम से टोटल वाल्व खोल दिया तो एकदम से झटका लग जाता है, फ्यूल ज़्यादा आ गया फिर कम आ गया, लेकिन इस टाइप में आपको जर्कलेस इंजन की राइज मिलता है। और इसके अंदर टोटल वाल्व जो होता है वो क्रिएट करता है वैक्यूम, और वो वैक्यूम विच जो वो वैक्यूम ओपन करता है उसका फ्यूल का जो इनलेट है, और उसके थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाई डज कंप्रेशन इंजन यूज हाई ऑक्टेन फ्यूल। तो जो कंप्रेशन इंजन मतलब डीजल इंजन क्यों हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करता है, तो द प्रॉपर्टी जो होती है फ्यूल की जो डिस्क्राइब करती है हाउ फ्यूल विल और विल नॉट सेल्फ इग्नाइट, कि फ्यूल सेल्फ इग्नाइट ना करें, मतलब ऑटो इग्निशन ना हो, ऐसा ना हो कि जब जब आप लोग कंप्रेशन एंड ही नहीं हुआ उसके पहले ही फ्यूल क्या हो गया, बर्न हो गया, ठीक है। तो उसी को इस कॉल्ड उसको हम ऑक्टेन नंबर या जस्ट ऑक्टेन बोलते हैं। तो इंजिन्स के जिसके अंदर कंप्रेशन रेशियो लो होता है उसको क्या होता है, यूज़ फ्यूल्स विथ लोअर ऑक्टेन नंबर। वो क्या करते हैं, लोअर ऑक्टेन नंबर का फ्यूल यूज़ करते हैं लेकिन
हाई कंप्रेशन इंजन्स जो होते हैं उसको मस्ट हाई ऑक्टेन फ्यूल्स टू अवॉइड सेल्फ इग्निशन एंड नॉकिंग। तो जो भी हाई कंप्रेशन इंजन है उनको बेसिकली हाई ऑक्टेन फ्यूल्स यूज़ करना चाहिए या हाई ऑक्टेन नंबर यूज़ करना चाहिए, उसके कारण क्या हो कि उसमें ऑटो इग्निशन या सेल्फ इग्निशन ना हो, जिसके कारण नॉकिंग की समस्या ना आए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डोंट ऑटो रिक्शो हैव डिफरेंशियल गियर्स? जो ऑटो रिक्शो होते हैं उस पर डिफरेंशियल गियर क्यों नहीं होते हैं? तो ऑटो रिक्शो जो होते हैं हैव इंजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू रियर एंड व्हील्स। उनका जो इंजन सीधा कनेक्ट होता है आपका रियर एंड व्हील्स से, इंजन उनका पीछे लगा होता है, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती डिफरेंशियल गियर्स की। लेकिन कुछ ऑटो रिक्शो के अंदर जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं तो वो डिफरेंशियल गियर यूज़ करते हैं, और टायर डिफरेंशियल मैकेनिज्म इज़ इनसाइड द गियर बॉक्स अनलाइक अदर व्हीकल्स। तो गियर बॉक्स के अंदर ही पूरा डिफरेंशियल गियर लगा हुआ होता है, जबकि अदर व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अदर टॉपिक्स के हम लोग अब लेके आएंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आएंगे, जिससे आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प मिले। प्लस यही क्वेश्चंस आपको कई बार जो आप लोग जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स के इंटरव्यूज़ में वहाँ भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस आर कॉमन। आप लोग अच्छे से इसको समझें। इसमें फिर कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझे इसका कमेंट कर सकते हैं या मुझसे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू गाइस।